Hello everyone, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes for IELTS and PTE. I'm Meenakshi. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। आप सबको पता है कि ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टू मॉड्यूल्स के लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए। आपका टोटल ये 44 मार्क्स का सेक्शन होता है जिसमें 22 मार्क्स आपके रीडिंग में जाएंगे और 22 मार्क्स आपके राइटिंग में जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखना है कि इसकी सेंस देखनी है कि जो पैसेज है इसमें किसके बारे में बात की गई है। सो जायंट एक्सोप्लैनेट्स लाइक द सो कोल्ड हॉट जुपिटर्स, एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बात की गई है, मतलब प्लैनेट्स के बारे में है। हॉट जुपिटर्स दैट आर सिमिलर इन, कि वो सिमिलर है इन किसके। ऑप्शंस हैं ये आपके पास, टू द सोलर सिस्टम्स बिगेस्ट ब्लैंक एंड ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द होस्ट स्टार्स। अब ये है आपका प्लैनेट्स के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो जो ये वाला प्लैनेट है जायंट एक्सोप्लैनेट्स है, कि बहुत बड़ा जो प्लैनेट है आपका, जो बाहर प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम से। लाइक द सो कोल्ड, कैसे दिखते हैं, जो हॉट जुपिटर्स के जैसे दिख रहे हैं। दैट आर सिमिलर इन, अब सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी बता रहे, तो किस चीज़ में सिमिलर होंगे। बॉर्डर्स में सिमिलर नहीं होते, इनका जो आपका जो एरियाज होता है वो अलग अलग होता है, किसी का साइज स्मॉल होता है, किसी का शॉर्ट होता है, किसी का लार्ज होता है। नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन नहीं होते, इनके ये ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स, शेप्स में वही है कि जो साइज है वो आपके अलग अलग होते हैं, किसी का स्मॉल किसी का लार्ज। सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि जो ये आपका जायंट एक्सोप्लैनेट्स है वो हॉट जुपिटर के जैसा है, सिमिलर है किसमें, करेक्टरिस्टिक्स में, मतलब उसकी जो फीचर हैं, जो उसके क्वालिटी है वो क्या हैं आपकी, सिमिलर हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन हमारा, करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पर क्या है, टू द सोलर सिस्टम्स बिगेस्ट, अब किस चीज़ के साथ थी वो बिगेस्ट, किसके साथ कंपेरिजन किया था हमने बिगेस्ट। अब फ्रेम से नहीं कंपेरिजन करेंगे हम, सबऑर्डिनेट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गए यहाँ से कि बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिगेस्ट के साथ क्या आएगा, कमेट, अब ये यहाँ पर नहीं है कि हम सोलर सिस्टम्स में बात कर रहे हैं, तो सोलर सिस्टम्स के बिगेस्ट प्लैनेट से, प्लैनेट की बात चल रही है इसमें, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्लैनेट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द होस्ट स्टार्स, ये वेरी क्लोज होता है होस्ट स्टार्स के, आर एक्सीलेंट टारगेट्स फॉर, और ये किसके लिए एक्सीलेंट टारगेट्स है। अब जो हमारे स्टार्स होते हैं या फिर प्लैनेट होते हैं, इनकी जो स्टडी करता है वो कौन करता है, देखो, इन देयर सर्च फॉर देयर एक्स्ट्रा सोलर वर्ल्ड्स, किसके लिए टारगेट पर हैं, जो आपकी सर्च कर रहे हैं इनके ऊपर, एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम के बाहर वाली दुनिया की। सो यहाँ पर देखो मेंबर्स, अब मेंबर्स तो हमारे नॉर्मल होते हैं कि हम फैमिली मेंबर्स हैं, इस टीम में हम इतने मेंबर्स हैं। उसके बाद आपका पार्टीज, अब ये कोई भी पार्टीज नहीं करती। मेकर्स, अब इसको कोई बना नहीं रहा, जैसे मूवी मेकर्स कौन है, ये नहीं है। सो यहाँ पर जो होता है एक आपका एग्जैक्ट वर्ड होता है इसके लिए, वो होता है एस्ट्रोनोमर्स, जो आपकी स्टार्स की स्टडी करते हैं। सो ये किसके लिए टारगेट्स है, फॉर एस्ट्रोनोमर्स के लिए। नेक्स्ट आपका, द साइज एंड प्रोक्सीमिटी ऑफ दिस प्लैनेट्स, कि जो साइज है और जो उनका जो डिस्टेंस है, प्रोक्सीमिटी मीन्स होता है उनका जो डिस्टेंस है प्लैनेट्स का, इज ईजी टू, कि ईजी टू क्या होगा, ईजी टू ब्लैंक, एज दे क्रिएट अ लार्ज डिक्रीज इन ब्राइटनेस, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाती है, कम होती जाती है, व्हेन पासिंग इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट स्टार्स, जब उन पेरेंट स्टार से पास को वो निकलते हैं। सो इजी टू यहाँ पर क्या होगा आपका, द साइज एंड प्रोक्सीमिटी ऑफ दीज प्लैनेट्स इज ईजी टू, अब डिनाउंस, डिनाउंस का मीन्स आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है, डिनाउंस का मीन्स होता है कि किसी को भी आप ब्लेम कर दो, किसी के ऊपर आरोप लगा दो। नेक्स्ट आपका डिटेक्ट, डिटेक्ट होता है कि आप कोई फाइंड आउट करो किसी चीज़ को। फिर डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट होता है किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाना, जैसे हमारी जो लाइट है वो बेंट हो जाती है, ये मे बी हो सकता है। आगे आपका डिटरमिन, मतलब कोई भी चीज़ है, फैक्ट्स है, उसको बस वो करना, फाइंड आउट करना कि हाँ ये मैंने पता किया है। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा साइंस की टर्म में, ये आपका साइंस का टॉपिक है, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा डिटेक्ट, कि
जो उनका डिस्टेंस है और जो उनका साइज है प्लैनेट का, वो इजीली क्या किया जा सकता है आपका, डिटेक्ट किया जा सकता है, और उनके जो ब्राइटनेस है ये क्यों हो रही है इसका रीजन आपका फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन आएगा। अब आपके पास इसमें क्या होता है, हार्डली 2 मिनट्स होती हैं आपके पास एक क्वेश्चन के ऊपर स्पेंड करने के लिए। आपको 2 मिनट्स या फिर 2 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को कवर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है, इसमें भी पहले हम देखेंगे कि ये टॉपिक है, ये हमारा ये जो पैसेज दिया हुआ है ये किसके ऊपर है। यहाँ पर है ग्रीन स्पेसेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ए ब्लैंक इन सोयल एंड एरियल टेम्परेचर्स ड्यूरिंग स्पेल्स ऑफ हॉट वेदर। वेदर की बात है यहाँ पर, सोयल और एरियल टेम्परेचर्स आया हुआ है। सो कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन वेलबींग, अब ये ह्यूमन वेलबींग की भी बात कर रहा है। इन द गार्डन, यहाँ पर गार्डन भी आ गया हमारा। नेक्स्ट, देयर इज अ हाउ एवर लिटल इंफॉर्मेशन एज टू वट एक्सटेंट वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, अब यहाँ पर प्लांट्स भी आ गया हमारा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आगे क्या है, इन देयर कूलिंग पोटेंशियल एंड हाउ सर्टेन प्लांटिंग कॉम्बिनेशन, अब प्लांटिंग की बात हो रही है कि जो प्लांट हैं वो ग्रो कर रहे हैं, मे मैक्सिमाइज कूलिंग अंडर अ सिनेरियो ऑफ ब्लैंक रेनफॉल एंड मिनिमल वाटर इनपुट्स। मीन्स इसमें जो सारे की पॉइंट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, हमारे जो नेचर है उससे रिलेटेड हैं। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ग्रीन स्पेसिस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ, कि जो हमारा ग्रीन स्पेस है, जो हमारा हरा भरा वातावरण है, वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, टू अ जिनेसिस कंक्लूजन। अब जिनेसिस का होता है कि कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना, बिगन करना किसी चीज़ को, जैसे जीन्स होते हैं, जीन से हम बनते हैं, वैसे आपका है कंक्लूजन, कंक्लूजन रिजल्ट निकालना। अब बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहा, वो तो एक रिजल्ट तो नहीं निकाल लेगा, ये ऑप्शन तो गया हमारा। अब प्योरिफिकेशन, मतलब प्योरिफिकेशन इन सोइल, प्योरिफिकेशन तो हमारे वाटर की होती है, तो यहाँ पर क्या आ गया, रिडक्शन इन सोइल। अब क्या करता है, रिडक्शन कर देता है उसका सोइल का, उसको रिड्यूस होने से वो कंट्रीब्यूट करता है। एंड एरियल टेम्परेचर, सो रिडक्शन इन सोइल होता है आपका। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा रिडक्शन ड्यूरिंग स्पेल्स ऑफ हॉट वेदर। अब यहाँ पे देखो, सो कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन वेलबींग, जो ह्यूमन वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है। इन द गार्डन, अब इन द गार्डन, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी करती हैं रीडिंग की कोलोकेशन वर्क। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट ब्लैंक में क्या ऑप्शन है, इन द गार्डन। अब एक्सटेंट, एक्सटेंट होता है कि किस हद तक आपका, वही सेम लेवल, अब लेवल भी वही आया आपका कि कहाँ तक, किस लेवल तक। फिर है कॉन्टेक्स्ट, अब ये इसका ये मे भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है कि इसके बारे में बात की जा रही है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम आपकी होती है कि किसी चीज़ की जो लिक्विड होता है, जैसे उसका अमाउंट, या फिर जो आपके फॉरेस्ट हैं वो कितने घने हैं, कितने डेंस हैं, उसके सेंस में आपका वॉल्यूम जाता है। सो यहाँ पर जाएगा अब गार्डन, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब यहाँ पर जो हमारा आएगा ब्लैंक वो आएगा हमारा कॉन्टेक्स्ट। ये आपकी एक प्रॉपर कोलोकेशन होती है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप कॉन्टेक्स्ट वर्ड यूज़ करते हो। इन द गार्डन कॉन्टेक्स्ट, देर इज़ हाउ एवर लिटल इन्फॉर्मेशन एज टू वट एक्सटेंट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, कि किस हद तक वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, अब ब्लैंक में है, कन्फर डिफर कंसाइड एंड डेफर इन देयर कूलिंग पोटेंशियल एंड हाउ सर्टेन प्लांटिंग कॉम्बिनेशन में मैक्सिमाइज कूलिंग अंडर अ सिनेरियो ऑफ ब्लैंक। कि देखो यहाँ से देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स ब्लैंक इन देयर कूलिंग पोटेंशियल, कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं उनकी अब बात की गई है कि वो क्या चीज़ करते हैं, कूलिंग पोटेंशियल कैसी है उनकी, और वो कैसे प्लांटिंग कम्बिनेशन है उनका, कैसे वो कूलिंग को इन्हांस करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। सो यहाँ पर किसके बारे में बात है, फर्स्ट ऑप्शन देखो कन्फर, कन्फर मीन्स होता है कन्फर्मेशन लेना, मतलब किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना, कन्फर्मेशन से कन्फर्म वर्ड बना आपका। नेक्स्ट है डिफर, मतलब अलग होना। नेक्स्ट आपका कोइंसाइड, मतलब बाय चांस होना। नेक्स्ट है डेफर, डेफरमेंट होती है आपकी कि आगे उसको पास आउट कर देना, आगे मूव कर जाना। अब यहाँ पर आएगा कि किस हद तक जो एक्सटेंट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिफर, कि डिफर प्लांट्स डिफरेंट टाइप आ गया ना यहाँ पर, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि कैसे वो क्या होते हैं, डिफर होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं एक दूसरे से उनकी कूलिंग करने में, टेम्परेचर्स में।
नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ से सर्टेन प्लांटिंग कॉम्बिनेशन में मैक्सिमाइज कूलिंग अंडर अ सिनेरियो ऑफ ब्लैंक रेनफॉल एंड मिनिमल वाटर इनपुट्स, कि रेनफॉल हो और मिनिमल वाटर इनपुट्स हो और उनको कम आप पानी डाला जाए, तो वो क्या करेंगे, कूलिंग अंडर अ सिनेरियो कूलिंग देंगे आपको। अब टोटल, टोटल तो किसी चीज़ का रिजल्ट होगा, क्या रेनफॉल का टोटल निकालते हैं, ये ऑप्शन नहीं गया। अब लो में भी हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है उन्होंने, मिनिमल। जब भी आपके पास एंड आता है तो बीच में क्या होता है, आपके पास दोनों साइड वर्ड होते हैं वो सेम होते हैं, वो सिनोनिम भी हो सकते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे आप पैरेलल, अब पैरेलल तो कि वो उस चीज़ के इक्वल जा रही है, ये भी नहीं होगा। पार्शियल की थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मतलब आंशिक रूप से, टोटल जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो आंशिक रूप से मतलब थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर जो आपका मिनिमल है, इस वर्ड का जो सिनोनिम होता है वो होता है आपका लो। सो यहाँ पर भी आएगा आपका लो रेनफॉल। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अब फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं कि किसके बारे में है। ब्लैंक द पास्ट टू डिकेड्स अराउंड अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव स्वैम्प्स हैव बीन। अब यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड्स मैंग्रोव, अब ये वर्ड आपका इम्पोर्टेंट है इस पैसेज में, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। मैंग्रोव स्वैम्प्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लांट होता है आपका जो आपका दलदल में होता है, मीन्स जहाँ पर आपका पानी इकट्ठा हो ना वहाँ पर ये प्लांट आपका होता है। सो यहाँ से हुआ कि ये भी प्लांट के बारे में है। नेक्स्ट है फॉर ह्यूमन यूज़, अब ह्यूमन के यूज़ के लिए उसको वो कर बनाया जा रहा है। विद मैनी टर्न इंटू वैल्यूएबल श्रिम्प फार्म्स, अब यहाँ पर भी एक मीनिंग वर्ड है, श्रिम्प फार्म्स ये होते हैं आपके एक स्पेशल टाइप की फिश होती है उसके फार्म। सो यहाँ से कर रहे हैं कि बाय, ये ब्लैंक है, यहाँ पर ऑप्शन है बाय विद टू ओवर द पास्ट टू डिकेड्स अराउंड अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव स्वैम्प्स हैव बीन, कि इन पास्ट टू डिकेड से आपका जो क्या है, जो वर्ल्ड मैंग्रोव स्वैम्प्स हैव बीन कर दिए गए हैं फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन यूज के लिए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देखो बाय, बाय मतलब होता है किसी भी चीज़ के द्वारा, अब बाय द पास्ट टू डिकेड्स, इस डिकेड्स के द्वारा थोड़ी ना किए गए हैं, ये तो एक आपको, आपको टाइम लिमिट बता रहा है, टाइम की ड्यूरेशन बता रहा है। सो ये ऑप्शन नहीं आएगा। विद द पास्ट के साथ, इसके साथ भी नहीं आएगा। अब टू, टू द पास्ट टू डिकेड्स कि उससे ये कर दिया गया, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा ओवर, ओवर मीन्स होता है कि कम्प्लीटली द पास्ट टू डिकेड्स अराउंड अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव, कि जो पूरे दो पास्ट डिकेड से क्या कर दिया गया है आपका मैंग्रोव स्वैम्प्स को, हैव बीन, अब हैव बीन क्या कर दिया गया है, देखो यहाँ पर फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन यूज के लिए उसको क्या किया गया है, अब डिजर्व्ड, डिजर्व्ड तो हम ह्यूमन करते हैं, वो हैव बीन डिजर्व्ड कि वो डिजर्व करते हैं ह्यूमन यूज को। नेक्स्ट है इंसर्टेड, अब उसको उसमें डाल दिया गया किसी चीज में, ये भी नहीं गया ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्व्ड, मतलब उसको सेव कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया फॉर ह्यूमन यूज के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्टेड, कन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो वहाँ का जो एरिया था उसको क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया है फॉर ह्यूमन यूज के लिए। अब यहाँ पर है आपका ऑप्शन आएगा कन्वर्टेड, ह्यूमन यूज की बात आई है, फॉर ह्यूमन यूज की लोगों के लिए, सो उसको क्या किया गया है, चेंज किया गया है, कन्वर्ट कर दिया उसको ह्यूमन यूज के लिए। नेक्स्ट है विद मैनी टर्न इंटू वैल्यूएबल श्रिम्प फार्म्स, उनको वैल्यूएबल श्रिम्प फार्म्स में चेंज कर दिया, टर्नड इंटू, टर्न इंटू से मतलब बदल दिया, यहाँ से भी आपको एक हिंट मिल रही है टर्नड इंटू से। नेक्स्ट आपके पास है इन 2007 एन इकोनॉमिक स्टडी ऑफ सच श्रिम्प फार्म्स इन थाईलैंड शोड दैट द कमर्शियल प्रॉफिट्स पर हेक्टेयर वर $9,632 इफ दैट वर द ओनली, कि अगर ये ओनली क्या है, कि जो आपकी इफ़ दैट वर ओनली, अब ये क्या है, आपको एक वैल्यू दे दी कि जो कमर्शियल प्रॉफिट्स था पर हेक्टेयर पे इतना हुआ था 2007 में। अब यहाँ पर क्या है, इफ़ दैट वर द ओनली, अब ये ओनली क्या है, कन्वर्जन वुड सीम एन एक्सीलेंट आइडिया, ये कब हो पॉसिबल हो सकती है, अगर ये क्या है, एक ओनली
क्या बने अब इंडेक्स, इंडेक्स थोड़ी ना हम यहाँ पे कोई चीज़ बना रहे हैं कि उसमें हम 1/2 करके वो सारी सीरीज लिखेंगे कि अब ये किया वो किया। एलिमेंट, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की बात नहीं है। चॉइस और फैक्टर, अब चॉइस हो सकती है बट यहाँ पर क्या क्या है, इफ़ दैट वर द ओनली कन्वर्जन वुड सीम एन एक्सीलेंट आइडिया। अब यहाँ पर बात है कि हमने इसको चेंज किया है तो ये चॉइस नहीं है, हम वो चीज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, फैक्टर, कि ये सिर्फ ओनली एक रीज़न हो सकता है इसको चेंज करने का, जो कन्वर्जन है वो। नेक्स्ट है हाउ एवर प्रॉपर ब्लैंक शोज दैट फॉर ईच हेक्टेयर गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर्म $8,412 ऑफ दिस फिगर एंड देर वर कॉस्ट टू $1,000 फॉर पोल्यूशन एंड $12,392 फॉर लूजेस टू इकोसिस्टम सर्विसेज। अब यहाँ पर देखो आपके पास अमाउंट की बात चल रही है, सो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर भी डॉलर्स हैं, यहाँ पर भी डॉलर्स, अमाउंट की बात है, यहाँ पर भी डॉलर्स है, तो अमाउंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्रॉपर। अब गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ की बात है तो अब इसमें हम परसेंटेज तो यहाँ पर से गया, नेगलेक्ट हो गया अपना, क्योंकि यहाँ पर डॉलर्स है तो परसेंटेज तो आएगा ही नहीं। उसके बाद आपका डिवीज़न, अब हम उसको डिवाइड थोड़ी ना कर रहे हैं कि उसकी डिवीज़न आएगी, अब प्रॉपर है, प्रॉपर में तो आप पूरा लोगे ना तो डिवीज़न नहीं आएगी, ये भी गया। अब एग्रीगेशन, अब एक आइडिया थोड़े ना लगाएंगे कि एग्रीगेट थोड़े निकालेंगे कि इसका इतना बना, यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड आएगा आपके लिए, गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है अकाउंटिंग, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ईजी है इसको फाइंड आउट करना, जो गवर्नमेंट है उसकी सेंस में आप अकाउंटिंग वर्ड को यूज़ करते हो, और यहाँ पर भी वैसे भी मनी की बात की गई है, डॉलर्स की बात की गई है, तो वो अकाउंट में आएगी आपकी। नेक्स्ट आपके पास है दीज, अब जो आपके पोल्यूशन थे और इकोसिस्टम्स थे इनके बारे में बात है, दीज ब्लैंक डैमेज टू द सप्लाई ऑफ फूड्स एंड मेडिसिन्स दैट पीपल हैड टेकन फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब ये क्या किसको इंक्लूड कर रही है, आपकी सप्लाई ऑफ फूड्स एंड मेडिसिन को, जो पीपल ने, जो लोगों ने क्या किया है फॉरेस्ट से लिया है। द लॉस ऑफ हैबिटेट्स फॉर फिश, फिश का हैबिटेट का लॉस हुआ है, एंड लेस बफरिंग अगेंस्ट स्टॉर्म, और जो पावर है उनकी स्टॉर्म से लड़ने की वो भी क्या हुई है, कम हुई है। सो यहाँ पर ऑप्शन देखो दीज, अन ईवन का मतलब होता है इक्वल ना होना, कंप्राइज का मतलब होता है टू इनकॉर्पोरेट समथिंग, मतलब शामिल करना, ऐड करना, नेग्लेक्टेड कि नेग्लेक्ट, अब यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं उसको इंक्लूड कर रहे हैं, सो नेग्लेक्ट वर्ड नहीं आएगा। ऑगमेंटेड कि बढ़ता हुआ, दीज बढ़ता हुआ डैमेज, कि जो ये बढ़ता हुआ डैमेज है ये भी नहीं आएगा। सो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास कंप्राइज्ड, मतलब जो हमने ये इंक्लूड किया है, ये सारे आपका पोल्यूशन और जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं इन सबको इंक्लूड करते हुए, जो सप्लाई ऑफ फूड्स और मेडिसिन लोग ले रहे हैं जंगल से, फॉरेस्ट से, वो क्या हो रहा है हमारा, लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है, ये सेंस आएगी आपकी यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन रीड करो, एंड बिकॉज अ गिवन श्रिम्प फार्म ओनली, कि सिर्फ श्रिम्प फार्म की वजह से, ओनली बिकॉज अ गिवन श्रिम्प फार्म ओनली ब्लैंक फॉर 3 or 4 years देर वॉज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग दैम आफ्टरवर्ड्स। अब यहाँ पर क्या है वर्ड्स देखो, अब हमें नहीं पता कि इनके क्या सेंस बन रही है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, एंड बिकॉज ऑफ ए गिवन, अब जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग श्रिम्प फार्म ओनली स्टेज, अब क्या रहेंगे इंटरेक्टिव, तो इंटरेक्टिव कि यहाँ पर कोई भी ऐसी बात ही नहीं की कि वहाँ पर जो कोई चीज़ है वो देखने वाला प्लेस है। डिस्टिंक्टिव मतलब सबसे अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट आपका कलेक्टिव, कलेक्टिव की ये चीज़ें को इकट्ठा रखेगा, शामिल करके रखेगा। और एक आपका प्रोडक्टिव मतलब ये अपना प्रोड्यूस करेगा फॉर 3 to 4 years। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास कि जो श्रिम्प फार्म है वो 3 or 4 साल के लिए क्या रहेगा आपका, प्रोडक्टिव रहेगा, जो आपके फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं, अगर आप क्या कर दोगे फॉरेस्ट वगैरह से जो हैबिटेट है उनको लॉस कर दोगे तो। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा प्रोडक्टिव। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है, लेट्स स्टार्ट। पीपल आर स्पेंडिंग ट्वाइस एज मच टाइम ऑनलाइन कंपेयर टू 10 years ago, कि जो लोग थे वो क्या करते थे, स्पेंड टाइम ऑनलाइन कंपेयर टू 10 years ago फ्यूल्ड बाय इंक्रीजिंग यूज ऑफ टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं,
टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करने के ऊपर है ये टॉपिक आपका, स्पेंडिंग ट्वाइस, मतलब ऑनलाइन टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं वो 10 ईयर से पहले, फ्यूल्ड बाय इंक्रीजिंग, किसकी वजह से इंक्रीज हुआ वो, टैबलेट्स और स्मार्टफोन की वजह से। द बिगेस्ट इंक्रीज हैज़ बीन, जो सबसे बड़ा इंक्रीज आया हैज़ बीन किस में, यंग अडल्ट में, अब विद इन यंग अडल्ट उनके अंदर, अब द बिगेस्ट इंक्रीज हैज़ बीन यंग अडल्ट, विद इन ही आएगा कि के साथ में, के अंदर, अलोंग कि उनके साथ, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका है बिटवीन कि उनके बीच में, और नेक्स्ट आपका है अमंग कि इनके बीच में। यहाँ पर जो हमारा मोर एकेडमिक वर्ड आएगा वो आएगा हमारा अमंग, बिकॉज हम बिटवीन को यूज़ करते हैं किसी भी दो चीज़ों के बीच में। अब यहाँ पर बात हो रही है हमारी एक ग्रुप के लिए, यंग अडल्ट्स, सो यहाँ से हमारा क्या आएगा, अमंग। नेक्स्ट रीड करो यहाँ से। इन टोटल द एवरेज अडल्ट स्पेंड मोर देन 20 आवर्स ऑनलाइन अ वीक, विच इंक्लूड्स टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट एट वर्क, कि जो अडल्ट हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन अ वीक से, जो इंक्लूड कर रहा है टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट एट वर्क पर। फिर आगे आपके पास ऑप्शन है, हाउ एवर डिस्पाइट अनलेस एंड मीन वाइल द एवरेज पर्सन स्पेंड 2.5 आवर्स एवरी वीक, कि जो एवरेज निकाल दी इन्होंने कि 2.5 आवर्स एवरी वीक ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं, अवे फ्रॉम देयर होम, जो कुछ तो होम से दूर जा रहे हैं, वर्क और प्लेस ऑफ स्टडी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखो, अब आपका फर्स्ट होता है हाउ एवर, अब यहाँ पर इसको नेगलेक्ट, इसको कैसे फाइंड आउट करना आपने, अब हाउ एवर यहाँ पर हमें क्वेश्चन के बाद कोई भी कोमाज नहीं दिए, जब भी अगर कोमा दिया होता तो हम लगाते हैं हाउ एवर। अब डिस्पाइट की इसके अलावा, डिस्पाइट का मीन्स होता है इसके बावजूद, अब ये भी नहीं आएगा। अब अनलेस, अनलेस होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो दूसरे की बजाय, अब यहाँ तो आप एवरेज निकाल रहे हो, तो जब भी आप दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है मीन वाइल, कि 2007 में इतना था, जो आपके ऑफिस वर्क में काम कर रहे हैं वो इतना स्पेंड कर रहे हैं, और वर्क पर, घर पर काम कर रहे हैं वो इतना स्पेंड कर रहे हैं, और अडल्ट इतना स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा मीन वाइल, वो दो सेंटेंसेस को क्या करता है आपका, कंबाइंड करता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक बार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका देखो यहाँ से, दिस इज अ 5-fold, अब ये 5-fold क्या मतलब, बहुत ज़्यादा है, फ्रॉम 2005 से। अब वैन द फिगर वो जस्ट 30 मिनट्स, उस टाइम जब क्या थी, फिगर सिर्फ 30 मिनट्स थी, और अब क्या है 2.5 आवर्स एवरी वीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो दिस इज अ 5-fold, कि एकदम से क्या आया है वो, इंक्रीज में भी हो सकता है। अब मैग्नीट्यूड, यहाँ पर इनके मीनिंग पता होनी चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है कि कितना लार्ज है, अब लार्ज नहीं आएगा यहाँ पर, किसी स्पेस की बात नहीं है, अब स्पेस भी नहीं आएगा क्योंकि किसी स्पेस की बात है ही नहीं है यहाँ पर। ग्रिड, ग्रिड होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, सो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है इंक्रीज, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा इंक्रीज, कि दिस इज़ अ 5-fold इंक्रीज फ्रॉम 2005 से 5-fold इंक्रीज है ये आपका। नेक्स्ट रीड करो, ओवरऑल द प्रोपोर्शन ऑफ अडल्ट यूजिंग द इंटरनेट हैज़ राइजन बाय हाफ फ्रॉम 6 in 10 इन 2005 टू ऑलमोस्ट 9 in 10 टूडे। ब्लैंक ऑफ कॉम्स मीडिया यूज एंड एटीट्यूड 2005 रिपोर्ट, अब इसके अकॉर्डिंग जो ये रिपोर्ट है इसमें क्या आएगा, यहाँ पर देखो उसने क्या किया, ऑफ कॉम्स मीडिया यूज एंड एटीट्यूड 2005 रिपोर्ट विच क्वेश्चन 1890 अडल्ट्स एज 16 एंड ओवर अबाउट देयर इंटरनेट कंजम्पशन हैबिट्स, की जो ये रिजल्ट है ये किसने प्रोड्यूस किया है, ऑफ कॉम्स मीडिया यूज एंड एटीट्यूड्स 2015 रिपोर्ट्स ने। सो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, ड्यू टू यूज करते हैं हम कोई भी रीजन देने के लिए, थैंक्स टू, अब थैंक्स तो हम इसको बोल रहे हैं किसने ये बड़ा अच्छा काम किया, एक्सेप्ट टू, अब ये तो बोल रहा है कि इसने किया है, इस रिपोर्ट के ऊपर हम वो कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू। ये थे आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका रीडिंग के लिए, सो
Thanks for watching. Like, share my video and subscribe my channel.